रर्रा के बूसो। पूसी बिल्ली का मन आज दूध पीने को कर रहा था। पड़ोसी के घर से आ रही दूध की महक उसे बेचैन कर रही थी। घूम फिर कर वह चुपके से पड़ोसन लूसी बिल्ली के घर में गई। लूसी का बेटा बिल्लू स्कूल से लौटकर अपना हिंदी का होमवर्क कर रहा था। बिल्लू ने पढ़ते पढ़ते पूछा, मम्मी बिल्ली के भागो छीका टूटा, इस कहावत का क्या अर्थ है? लूसी बोली, कुछ लोग हम बिल्लियों से दूध को बचाने के लिए दूध के बर्तन को छत पर टंगे छींके में रख देते हैं। अगर उनके घर में कोई बिल्ली चोरी के इरादे से घुसी हो और अचानक छींके से दूध नीचे गिर जाए तो उस चोरनी की किस्मत खुल जाती है। इसे ही कहते हैं बिल्ली के भागो छींका टूटा। लूसी की बात सुनकर पूसी सोचने लगी कि उसकी किस्मत तो आज तक खुली ही नहीं। यह सोचकर पूसी ज्योतिषी चीनू बंदर के पास गई। बहुत दिनों से ग्राहक के इंतजार में बैठे चीनू की आंखें चमक उठी। पूसी ने उसके पैर छुए तो चीनू ने आशीर्वाद दिया, दूधो नहाओ पूतो भलो। पूसी बोली, दूध मेरी किस्मत में कहाँ, कई हफ्तों से तो दूध के दर्शन ही नहीं हुए। चीनू बोला, चिंता की कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारी कुंडली बना देता हूँ। चीनू ने अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड के कुछ बटन दबाए, कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक कुंडली बन गई। अब चीनू पहले तो कुछ देर बुदबुदाता रहा, रा के बूसो, रा के बूसो। फिर बोला, लो बन गई तुम्हारी कुंडली, लाओ मेरी दक्षिणा। पूसी बोली, दक्षिणा? कैसी दक्षिणा? आपने तो बाहर लिख रखा है कि यहाँ बिना पैसों के कुंडली बनाई जाती है। बिल्कुल ठीक, कुंडली तो मैंने बिना पैसों के ही बनाई है, लेकिन कुंडली का असर जानने के लिए तो तुम्हें पैसे देने ही पड़ेंगे। अब पूसी को बिना पैसों के कुंडली का चक्कर समझ आया। बोली, मेरे पास पैसे तो नहीं है। चीनू को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। पहला ही ग्राहक कंगाल पल्ले पड़ गया। उसने सोचा इसे डरा कर ही अपना उल्लू सीधा किया जाए। चीनू बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कुछ खास बातें मुफ्त में ही बता देता हूँ। तुम्हारी कुंडली में ये जो शु गु श म र रा के बू सो लिखे हैं, ये असल में 9 ग्रह हैं। शुक्र, गुरु, शनि, मंगल, रवि, राहु, केतु, बुध और सोम। जिस तरह इन्होंने तुम्हारी कुंडली में डेरा जमाया है उससे तुम काल सर्प योग के लपेटे में आ गई हो। बाप रे, काल सर्प योग, वह क्या होता है और उससे अब मेरा क्या होगा? पूसी डर कर बोली, काल सर्प योग का अर्थ है कि तुम्हारी कुंडली में रर्रा के बूसो काले सांप की तरह बैठे हैं। होगा यही कि तुम और भी कंगाल हो जाओगी, कोई काला सांप भी तुम्हें डस सकता है। चीनू की यह बात सुनकर पूसी बहुत डर गई। उसने पूछा, पंडित जी क्या बचने का कोई उपाय है? बिल्कुल है, तुम घर जाकर अपने सारे गहने और 2000 रुपए ले आओ। मैं तुम्हारे लिए गहनों पर पूजा पाठ और हवन कर दूंगा। फिर जब तुम उन्हें पहनोगी तब तुम्हारा काला सांप अपने बिल में घुस जाएगा और तुम पूरी तरह सुरक्षित हो जाओगी। चीनू की यह बात सुनकर पूसी के कान खड़े हो गए। समझदार पूसी को चीनू की चालाकी पूरी तरह समझ आ चुकी थी। बोली, मैं आज ही अपने गहने ले आऊंगी। चीनू को उम्मीदों के झूले में झूलता छोड़कर पूसी सीधे इंस्पेक्टर चीमा चीते के पास गई। पूसी ने चीनू की चालाकी की सारी बातें इंस्पेक्टर चीमा को बताई। इंस्पेक्टर चीमा को चीनू की पहले भी कई शिकायतें मिली थी, लेकिन सबूत न मिलने की वजह से वह उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रहा था। इंस्पेक्टर की योजना के अनुसार पूसी अपने गहने और 2000 रुपए लेकर चीनू के पास पहुंची। हवन करके जैसे ही चीनू ने असली गहनों की जगह नकली गहने पूसी को थमाए, तभी इंस्पेक्टर चीमा ने छापा मारकर चीनू को दोनों तरह के गहनों के साथ गिरफ्तार कर लिया और बोला, रर्रा के बूसो, अब तुम हवालात में घुसो। अगले दिन पूसी को पुलिस से इनाम के पैसे भी मिल गए। बाजार से अपनी मेहनत की कमाई का दूध खरीदकर पीते हुए वह मुस्कुराकर सोच रही थी कि भाग्य से छींका नहीं टूटता बल्कि अक्ल और मेहनत के बल पर ही खुशी मिलती है। अपना इंडिया, गोल्डन बुक्स
का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना, पढ़ाई हो जो करनी, पढ़ाई हो जो करनी, जरा भी ना घबराना, जरा भी ना घबराना, गोल्डन बुक्स को अपनाना, अपना इंडिया, बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना, गोल्डन